दोस्तों, इंग्लिश में अच्छा पकड़ बनाने के लिए आपके आसपास के चीज़ों का नाम आपको इंग्लिश में आना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए हमारे आसपास रहने वाले छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जो बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं या फिर जहरीले हो सकते हैं, इन सभी का हिंदी और इंग्लिश नाम हम आज जानेंगे। तो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एडवांस स्पोकन इंग्लिश, आप इसे AAC इंग्लिश अकेडमी के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक बिना स्किप करे जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपके सीखने और जानने के लिए बहुत कुछ है। और इस वीडियो को आपके लिए पूरा पूरा देखना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इस वीडियो के आखिरी में एक छोटा सा टेस्ट होगा जिसमें आपको इन सभी का इंग्लिश नाम बताना होगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गंवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है सांप और इसे इंग्लिश में स्नेक कहते हैं। दुनिया में इसकी बहुत सारी प्रजातियाँ पाई जाती हैं जिसमें से कुछ बिना जहर वाले, कुछ थोड़ा बहुत जहर वाले और कुछ तो इतने जहर वाले कि एक बार काट ले तो प्राण छूट जाए। सांप के फन को हुड और इसके जहर को पॉइजन कहते हैं। सांप के जहरीले दांत को फैंग्स कहते हैं और इसके केंचुली को स्लाउ कहते हैं। जब कोई ख़तरनाक सांप फंकार मारता है ना, तो अच्छे अच्छों की पैंट तक गीली हो जाती है। तो दोस्तों, सांप के फंकार मारने को हिस कहते हैं। और ये है नेवला, जिसे आप मंगूस के नाम से जानते हैं और ये स्नैक मतलब सांप का बहुत बड़ा दुश्मन होता है। और ये है मकड़ी, जो बहुत ही कॉमन है और इसका नाम हर किसी को पता होता है, स्पाइडर, और इसके नाम से हॉलीवुड मूवी भी बन चुकी है। मकड़ियों की बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं जिसमें से कुछ बिना जहर वाले और कुछ तो इतने जहर वाले कि आपकी जान ले ले। तो स्पाइडर से बच के रहना बाबा। मकड़ियों की रहने की जगह मकड़ियों का जाल कहलाता है और इसे इंग्लिश में वेब कहते हैं। ये तो लगभग सभी के घरों में पाया जाता है, छिपकली, जिसे लिजार्ड कहते हैं। ये छोटे मोटे कीड़ों का शिकार करते हैं और ये भी जहरीले होते हैं। जो रोज नहीं नहाते हैं उसके बालों में जू पाया जाता है और इसे इंग्लिश में लाउस कहते हैं। आई होप कि आप रोज नहाते होंगे। ये है रेशम का कीड़ा, जिसे सिल्क वॉर्म कहते हैं। इसके बनाए हुए कपड़े आप बड़े शान से पहनते हैं। क्या आपका पाला इस बला से कभी पड़ा है? ना पड़ा हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये है जोंक, जिसे इंग्लिश में लीच कहते हैं और ये नदी नालों या तालाबों में पाया जाता है। अगर ये किसी को पकड़ ले तो पूरा खून चूस के ही दम लेता है। और ये है चींटी, जिसे इंग्लिश में अंट कहा जाता है। नेक्स्ट है मच्छर, जिसके काटने से मलेरिया होता है। इसे इंग्लिश में मॉस्किटो कहते हैं, जिसे शायद आप सभी जानते हैं। और ये है तितली, जिसे आप बटरफ्लाई के नाम से जानते हैं। और ये है बीमारियों का जड़, मक्खी, जिसके कारण हमें बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इसे आप फ्लाई या हाउस फ्लाई कह सकते हैं। ये है मेंढक, और मेंढक को इंग्लिश में फ्रॉग कहते हैं। इसकी बहुत सारी प्रजातियां जहरीली भी होती हैं। और ये हैं हमारे नाग देवता, इसे इंग्लिश में कोबरा कहते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा जहरीला होता है, एक बार अगर ये काट लें तो उनका बच पाना नामुमकिन सा हो जाता है। ये बहुत ख़तरनाक है भाई, इससे बच के रहना। क्या कभी इसने आपको काटा है? मुझे तो काटा है, बहुत दर्द करता है। ये है ततैया या हड्डा और इसकी इंग्लिश होती है वास्प। दहशत का दूसरा नाम बिच्छू, स्कॉर्पियन कहा जाता है इसे। देखने में ही ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है और काट ले तो भगवान बचाए। और ये हैं हमारे जाने माने साउथ इंडियन फिल्म के हीरो मक्खी, इसे आप फ्लाई या हाउस फ्लाई भी कह सकते हैं। मक्खियों का भिनभिनाना बज कहलाता है। ये है पिस्सू
और इसे इंग्लिश में फ्ली कहते हैं। यह सामान्यतः जानवरों में पाया जाता है, जैसे बिल्ली, कुत्ता, गाय, बैल इत्यादि में। और यह है दीमक, जिसे इंग्लिश में टर्माइट कहते हैं। दिखने में तो ये बहुत छोटा है, पर इसका घर बहुत बड़ा होता है। ये देखिए, शायद आपने कहीं देखा हो। अगला है टिड्डा, जिसे इंग्लिश में ग्रास हॉपर कहते हैं, और उसकी धर्म पत्नी को टिड्डी कहते हैं, जिसे इंग्लिश में लोकस्ट कहते हैं। और ये है टिड्डा का छोटा भाई झिंगूर, जिसे आप क्रिकेट के नाम से जानते हैं। ये छोटा छोटा सफ़ेद सफ़ेद जो दिखाई दे रहा है, ये है लिख, जिसे इंग्लिश में नीट कहते हैं। ये जनरली बालों में पाए जाते हैं। हमारा अगला प्राणी है घोंघा, इसे इंग्लिश में स्नैल कहते हैं। ये नदी नालों या तालाबों या फिर समुद्रों में पाया जाता है। समुद्री इलाकों में इसे लोग बड़े चाव के साथ खाते हैं। और ये है जू, जिसे इंग्लिश में लाइस कहते हैं, और ये पेड़ पौधों, जानवरों या फिर हमारे बालों में भी पाए जाते हैं। और अगला है जुगनू, जुगनों को इंग्लिश में ग्लोवार्म या फायर फ्लाई के नाम से जाना जाता है। अगला है गोबरीला, इसे इंग्लिश में लेडी बर्ड या लेडी बर्ग या बीटल के नाम से जाना जाता है। और ये गेहूं के रंग के दिखने वाले सांप को गेहुआ सांप के नाम से जाना जाता है, और इसे इंग्लिश में एडर कहते हैं। ये है खटमल, इसे इंग्लिश में बग कहते हैं, और ये खटिया मतलब बेड में पाया जाता है, और ये खून चूसता है। ये है केकड़ा, और केकड़े को इंग्लिश में क्रैब कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक तो नहीं, लेकिन अगर एक बार पकड़ ले तो आदमी की बैंड बजा सकती है। और ये है हमारे किसानों का सबसे बड़ा दोस्त केंचुआ, और इसे इंग्लिश में अर्थ वार्म कहते हैं। मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए इसका सबसे बड़ा योगदान होता है। पास से ये ऐसी दिखाई देती है। अक्सर ये चिड़ियों का शिकार भी बन जाते हैं। और ये है खरगोश का सबसे बड़ा दोस्त कछुआ, नाम तो सुना ही होगा, इंग्लिश में इसे टर्टल कहा जाता है। और ये है अजगर, और इसे इंग्लिश में बवा कहते हैं। ये है सीपी, जो समुद्रों में पाई जाती है, और इसे इंग्लिश में ओएस्टर के नाम से जाना जाता है। इंसान इसे भी खा जाता है बड़े चाव से, पता नहीं इंसान क्या क्या खा जाता है। और ये है रेशम का कीड़ा, इसे इंग्लिश में सिल्क वार्म कहते हैं। दिखने में तो ये बहुत ही सुंदर है, पर खासकर लड़कियाँ इससे भी डर जाती हैं। और ये है रेशम के कीड़े का घर, जिसे हिंदी में कोवा कहते हैं और इंग्लिश में कोकून। और ये है रेशम के कीड़े का लाइफ साइकिल, ये अपने जीवन काल में लगभग इस तरह से बदलते जाता है। और आखिर में ये तितली मतलब बटरफ्लाई का रूप धारण कर लेता है। क्या आपको पता है कि ये क्या है? ये है मेंढक मतलब फ्रॉग का बच्चा, जिसे इंग्लिश में टैडपोल कहते हैं। इसे एक साथ ग्रुप में रहना पसंद है, और ये धीरे धीरे बड़े होकर मेंढक में बदल जाता है। पूरा विकसित हो जाने के बाद मेंढक कुछ इस तरह से दिखाई देता है। मेंढक के टरटराने को फ्रॉग्स क्रॉक कहते हैं। और ये है जलीय जंतु झींगा मछली, इसे लॉबस्टर कहते हैं। लोगों के द्वारा इसे भी बड़े चाव से खाया जाता है। आपने मछली मार्केट में ज़रूर इसे देखा होगा। और ये है मधुमक्खी, इसे आप बी या हनी बी के नाम से जानते हैं, और मधुमक्खी के भिनभिनाने को बीस हम कहते हैं। मधुमक्खियों को ग्रुप में रहना बहुत पसंद है। वैसे तो ये ऐसे ही किसी को कुछ नहीं करता, लेकिन अगर आप इसे छेड़ेंगे तो ये सारे के सारे आपको काट सकता है और आपकी जान भी जा सकती है। और मधुमक्खी के पति देव को नर मधुमक्खी कहते हैं, जिसे इंग्लिश में ड्रोन कहा जाता है। ये है गिरगिट, जो जगह के हिसाब से अपने आप को बचाने के लिए अपना रंग बदल सकता है, जिसे इंग्लिश में कमेलियन कहते हैं।
और ये है दीमक, इसे वाइट एंट के नाम से भी जाना जाता है। और ये है मछली, जल की रानी। मछली के पंख को फिन कहते हैं और मछली के बच्चे को स्पान। और ये है शंख, इसे इंग्लिश में सेल या कॉच कहते हैं। ये है गुबरेल, इसे इंग्लिश में बीटल कहते हैं। ये है कीट, इसे पतंग भी कहते हैं। ये तितली के आकार से थोड़ा छोटा होता है और इसे इंग्लिश में मोथ कहते हैं। और ये है स्टिक इंसेक्ट, ये दिखने में लकड़ी की तरह होती है, इसलिए इसका नाम भी इसी तरह से रखा गया है। और ये है एक तरह का मक्खी जो फ्रूट में पाया जाता है, इसलिए इसे फ्रूट फ्लाई कहा जाता है। और ये है कनखजूरा, इंग्लिश में इसे सेंटीपेड कहते हैं। ये दिखने में जितना ख़तरनाक है उतना रियल में भी ख़तरनाक है, ये मोस्टली कान में घुस जाया करता है। और ये है आपका फेवरेट तिलचट्टा, आप इसे कॉकरोच के नाम से जानते हैं। और ये है हरा तिलचट्टा, जो बिल्कुल पेड़ के पत्तों के समान दिखाई देती है, इसे ग्रीन कॉकरोच कहते हैं। और ये है हमारे गणेश जी के फेवरेट चूहा, जिसे इंग्लिश में माउस या रैट कहा जाता है। और ये है पतंगा, जिसे आप ड्रैगन फ्लाई के नाम से जानते हैं। ये कई सारे रंगों और आकारों में पाए जाते हैं। तो दोस्तों, अब बारी है आपके टेस्ट की। चलो देखते हैं कि आपको इनमें से कितने का नाम याद हुआ, आप इस टेस्ट में पास हो पाते हैं या नहीं, चलिए देखते हैं।
आई होप कि आप इस टेस्ट में पास हो चुके होंगे, और अगर आपको लगता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता तो आप इस वीडियो को बार बार देखिए जब तक आपको याद ना हो जाए। ओके गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। अगर आपको इस तरह की और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग।